हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिटनेस। तो दोस्तों, जो आज की जो एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है फुल बॉडी एक्सरसाइज। जी हां दोस्तों, इसको घर पर ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कहीं भी, आप पार्क में या घर में कर सकते हैं इसको। लेकिन इसके अंदर जो ध्यान देने की बात है दोस्तों, कि आप अपनी एल्बो को एक एक करके बैंड नहीं करेंगे, अपनी एल्बो को बिल्कुल सीधा रखेंगे, क्योंकि अगर आपकी एल्बो बैंड होती है तो आपका सिर नीचे टकरा जाएगा। और ये एक्सरसाइज दोस्तों बिगनर्स के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो रेगुलर अपना वर्कआउट कर रहे हैं, जो रेगुलर अपना रूटीन बनाए रखे हुए हैं घर पर ही। तो अब इसके अंदर जो मेन बात है मैंने आपको बताई दी है कि आपकी जो एल्बो है उसको आप, हाँ, दोनों को इकट्ठा बैंड कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन ध्यान देने की बात है मैंने आपको बताई दी है कि आपकी जो एल्बो है उसको ज़्यादा बैंड नहीं करेंगे, उसको सीधा ही रखेंगे। और दूसरा, जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप पहले ये अभ्यास कर लेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हाथों को नीचे रखिए और हाफ बैंड करके ऊपर, हाथों को नीचे रखिए और हाफ बैंड करके ऊपर। पहले हाफ ही रखेंगे बॉडी को, पूरा नहीं खोलेंगे। उसके बाद में आप धीरे धीरे जब इसमें परफेक्ट हो जाएँ तो बॉडी को पूरा खोलना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से दोस्तों, ज़्यादा स्पीड करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ही अगर आप स्पीड में आ जाएंगे तो आप इस एक्सरसाइज को ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा स्पीड मत दिखाइए स्टार्टिंग में, सिर्फ स्लो नॉर्मली ढंग से आप इसको करिए। ज़्यादा स्पीड में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए दोस्तों, जब आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी जो हैंड है, आपकी जो एल्बो है, अब स्टेबल हो गई है, फिर आप बॉडी को पूरा लेके जाइए। और दोस्तों, इस एक्सरसाइज का एक बेनिफिट हो रहा है आपको, जब आप कहीं भी होते हैं पार्क के अंदर या कहीं भी, आप हर जगह सिर को तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि बहुत सारे लोग शीर्षासन करते हैं और अपना जो है सिर को नीचे रख के ऊपर लेग के ऊपर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर है ना, सिर को नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हैंड ही आपका काम कर देंगे और इसमें आपकी हैंड की पावर भी बढ़ेगी और आपका जो ये सिर है वो भी सेफ रहेगा। तो इसके अंदर अब जो मेन पॉइंट है, जब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद आप ना बॉडी को स्टेबल रखना सीख जाएंगे और स्टेबल रखने के बाद में शीर्षासन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? इस तरीके से। तो इसमें आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का फुल बॉडी वर्कआउट जो आप घर पर रहकर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन वही बात है, मैं बोलूँगा कि बिगनर्स थोड़ा ध्यान से जल्दबाजी ना करें, और जो अपना वर्कआउट रेगुलर करते हैं, हैंड के अंदर इतनी पावर बना चुके हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस उनको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अपने एल्बो को बैंड नहीं करना है। तो आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, देखते रहिए पीएस फिटनेस।